अंतरिक्ष से आई बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़ी अपडेट दी है। चांद की सतह पर पहुंचने की जर्नी में चंद्रयान 3 अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। अब ये केवल चंद्रमा से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसरो ने इसके इंजन को शुरू करके लैंडिंग प्रोसेसर को सिग्नल दे दिए हैं। अब ये चंद्रमा पर किसी भी समय सक्सेसफुली लैंडिंग कर सकता है। तो आखिरकार इससे जुड़ी पूरी अपडेट क्या है, इसे जानने के लिए तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरने के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों की माने तो इसके इंजन चालू कर दिए गए हैं और इसकी लैंडिंग प्रोसीजर को भी शुरू कर दिया गया है। अब इसका केवल एक ही लक्ष्य है और वो है चांद की सतह पर सक्सेसफुली लैंडिंग करना। अब इसे ना ही स्पीड ज्यादा करनी है और ना ही किसी ऑर्बिट को चेंज करना है। जब ये चांद से केवल 30 किलोमीटर दूर रह जाएगा तब धीरे धीरे अपनी गति को कम करेगा, और जैसे ही ये लैंड करेगा इसकी स्पीड हजारों किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर कुछ मीटर तक कम हो जाएगी। चंद्रयान 3 की इस अपडेट को सुनकर पूरे भारत के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सभी ये सोच रहे हैं कि अब तो ये आसानी से चंद्रमा पर लैंडिंग कर लेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि चंद्रयान 3 भले ही चंद्रमा पर उतरने के अंतिम पड़ाव पर हो, लेकिन ये इसका सबसे मुश्किल और क्रिटिकल फेज है, क्योंकि यहीं पर हमारा चंद्रयान 2 भी क्रैश हुआ था। लेकिन खुशी की बात तो एक और है कि हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए जब बात चंद्रयान 3 की होती है तो उन्होंने किसी भी बात की कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये सफलतापूर्वक लैंडिंग कर सकता है। आइए जान लेते हैं कि हमारे वैज्ञानिक इसकी लैंडिंग प्रोसीजर को किस तरह एग्जीक्यूट करने वाले हैं, यानी कि इस तरह की लैंडिंग के लिए वैज्ञानिक किस तरह की प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं। चंद्रयान 3 ने 35 दिनों के सफर को पूरा करके अपनी यात्रा के लास्ट फेज में वो पहुंच चुका है। इसने चांद के 5वें लूनर ऑर्बिटर को पूरा कर लिया है। अब ये चांद से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये धीरे धीरे चांद के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए इसकी दूरी को कम करेगा। वैज्ञानिकों ने इस लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल को अलग करने का प्रोसीजर शुरू कर दिया है, जिसके लिए लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल को जोड़ने वाले दोनों हुक को खोल दिया गया है। इसमें लैंडर की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, जबकि प्रोपल्शन मॉड्यूल की स्पीड को कम कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि अलग होते हुए चंद्रयान के इन दोनों पार्ट को कोई नुकसान न हो और ये सफलतापूर्वक अपनी अपनी कक्षाओं में आगे बढ़ सके। चंद्रमा के आगे की यात्रा को हमारा विक्रम लैंडर पूरा करने वाला है। ये प्रज्ञान रोवर के साथ चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने की तैयारियों में लगा हुआ है, जहां पर इसका अगला टारगेट चांद की 100x30 ऑर्बिट में चक्कर लगाना है। वहां पर 30 किलोमीटर की दूरी से ये फ्री फॉल शुरू करेगा, लेकिन तब इसकी स्पीड नॉर्मल होगी। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि चंद्रमा की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, इसलिए हमारी पृथ्वी पर मौजूद किसी ऑब्जेक्ट का वजन चंद्रमा के एरिया में जाने पर 6 गुना कम हो जाता है। तो जब हमारा ये विक्रम लैंडर 30 किलोमीटर की ऊंचाई से फ्री फॉल शुरू करेगा तो ये धीरे धीरे ही चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये चंद्रमा की सतह पर बढ़ेगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी, और इसी दौरान हमारे वैज्ञानिक इसकी हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन को वर्टिकल ओरिएंटेशन में चेंज कर देंगे। वर्टिकल ओरिएंटेशन में आने पर इसके पैर चंद्रमा की सतह की तरह होंगे, ताकि इसे लैंडिंग करने में कोई परेशानी ना हो। जब ये सतह से मात्र 400 मीटर की दूरी पर होगा तब इसकी स्पीड जीरो कर दी जाएगी। स्पीड ब्रेकिंग की इस फेज को फाइन ब्रेकिंग फेज कहा जा सकता है। इस तरह सभी फेज को कंप्लीट करते हुए हमारा चंद्रयान हवा में रुककर उस जगह की तलाश करेगा जहां पर इसे लैंड करना है। उस एग्जैक्ट जगह को चूज करने के बाद ये उसे लैंडिंग एरिया के तौर पर ब्लॉक कर देगा और बहुत ही धीमी गति से उसकी तरफ बढ़ेगा। चंद्रयान की इस लैंडिंग फेज में सबसे ज्यादा काम आने वाले इसके दो पार्ट लैंडर डॉपलर वेलोसिटी मीटर यानी LDV है और लेजर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा यानी LHVC है। अगर बात करें डॉपलर LDV की, तो इसका काम चंद्रमा की सतह पर लेजर की हेल्प से ये पता लगाना है कि जहां पर हमारा चंद्रयान 3 उतरने वाला है वो जगह सुरक्षित भी है या फिर नहीं, और इसकी हेल्प से लैंडिंग साइट पर किसी बड़े गड्ढे या चट्टान के होने का पता लगाया जाएगा। वही हमारा लेजर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा चंद्रयान की दो आंखों की तरह काम करेगा, जो लैंडर साइट से फोटोज लेकर चंद्रयान में लगे AI दिमाग को भेजेगा। ये नेविगेशन के काम को अंजाम देगा, लैंडिंग साइट का पता लगाना और उसके आसपास की जगह और चीजों का पूरी बारीकी से जांच करना, सब लेजर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे का काम है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत का चंद्रयान 3 इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा बताई जा रही उम्मीद पर खरा उतरेगा? क्या चंद्रयान 3 अब एक नया इतिहास गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। धन्यवाद।